नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का यूसर के इस व्याख्यान में पुनः स्वागत है। आज हमारे मध्य में डॉक्टर राकेश रयाल जी हैं, जो कि मीडिया के एक्सपर्ट हैं। मैं विधिवत व्याख्यान प्रारंभ होने से पहले एक संक्षिप्त परिचय डॉक्टर राकेश रयाल जी का आपके समक्ष रखना चाहूँगा। डॉक्टर राकेश रयाल जी गढ़वाल विश्वविद्यालय से एमएससी में एमएससी जूलॉजी सब्जेक्ट से किया हुआ है। तत्पश्चात सर ने एमफिल और डीफिल मीडिया में किया। इसके पश्चात सर एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जो हमारा टेहरी परिसर है, टेहरी परिसर में सर ने 7 वर्ष तक शिक्षण कार्य किया। उसके पश्चात 2010 में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में सर ने पत्रकारिता विभाग में वरिष्ठ अकादमिक एसोसिएट के पद पर ज्वाइन किया। साथ ही साथ सर ने पिछले 3 साल से उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। निरंतर सर की जो गतिविधियां हैं ओपन यूनिवर्सिटी की, विज्ञान और अन्य विषयों को लेकर के, वो निरंतर समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। साथ ही साथ सर काफ़ी सक्रिय रूप से इन सब चीज़ों में अपना सहयोग देते रहे हैं। मैं सर के बैकग्राउंड के बारे में बताते हुए आपको यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि सर के 18 शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। साथ ही साथ डॉक्टर रयाल जी ने 4 पुस्तकें जो कि मीडिया से ही संबंधित हैं का प्रकाशन कर दिया है, और 1 पुस्तक स्वर्गीय भी प्रकाशनाधीन है जो कि बहुत जल्द हमारे सम्मुख होगी। तो उत्तराखंड में जो मीडिया का स्टेटस है, मीडिया की जो भूमिका है, मीडिया का जो इतिहास है, सर उस पर काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से छात्रों को निरंतर मीडिया के संबंध में, विज्ञान विषयों के संबंध में निरंतर जागरूकता ला रहे हैं। तो आज हमारे मध्य में डॉक्टर राकेश रयाल जी उपस्थित हैं। मैं सर से आग्रह करूंगा कि हमारे बच्चों को मीडिया के महत्व, मीडिया का जो कार्य क्षेत्र है, मीडिया का जो समाज के उत्थान में जो योगदान है, और विज्ञान को समाज के दूर दूर कोने तक, ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाने में जो मीडिया का योगदान हो सकता है, सर उस पर आपसे चर्चा करेंगे। सर का आज का जो व्याख्यान होगा उसका मुख्य विषय होगा कि हिस्ट्री ऑफ मीडिया इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में मीडिया का जो भूमिका है वो क्या है और भविष्य में क्या हो सकता है। तो मैं डॉक्टर रयाल सर से अनुरोध करूंगा कि सर आप हमारे बच्चों का मार्गदर्शन कीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। नमस्कार शर्मा जी, मैं धन्यवाद करता हूँ उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र का, यूसर का जी। कि आपने इस विषय की महत्वता समझी और इस विषय के महत्व को समझते समझते मेरे जो क्षमता है, मेरी जो शिक्षा है, मेरे जो मेरा जो अध्यापन और अध्ययन कार्य है उसको आपने महत्व दिया। और मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। मीडिया समाज के हर पहलू को छूता है, मीडिया समाज के हर वर्ग को, हर क्षेत्र को छूता है, इसलिए इस विषय की का महत्व अपना भी बढ़ जाता है। उत्तराखंड की बात हम करें, उत्तराखंड में पत्रकारिता का जो इतिहास रहा है अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास रहा है। भारत या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम यदि मीडिया की उत्पत्ति या इसका हम देखें कि किस तरह से पत्रकारिता शुरू हुई, सबसे पहले चीन में पत्रकारिता का प्रारंभ माना जाता है, वहां जो है इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद यूरोप में, यूरोप के बाद हमारे जो भारत में गोवा में प्रेस खोली गई, और सबसे पहले कोलकाता में 1780 में बंगाल गजट नाम का एक समाचार पत्र का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टन हिक्की, जो विदेशी एक लेखक थे, एक पत्रकार थे, उन्होंने शुरू किया। और धीरे धीरे करके पश्चिमी बंगाल से लेकर और मुंबई, मुंबई से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर देश के तमाम प्रदेशों में जो है मीडिया का प्रारंभ हुआ। इसके साथ साथ उस दौरान जो मीडिया की जो भूमिका थी, जो मीडिया का उद्देश्य था, वह अपने आप में एक बहुत बड़े उद्देश्य थे, समाज को लेकर थे, समाज को जागरूकता के लेकर थे और समाज के उत्थान को लेकर थे। समाज में जितनी भी समस्याएं थी, जितनी भी कुरूतियां थी, उन सब विषयों को लेकर, उन सब सामाजिक दायित्वों को लेकर मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी थी, और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर जो है मीडिया प्रारंभ हुई। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यदि हम कहें कि पत्रकारिता का जो
अभी मैं यहाँ पर आपको एक तो पत्रकारिता के जो उत्तराखंड में पत्रकारिता की पृष्ठभूमि है जी उस पृष्ठभूमि पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद स्वतंत्रता से पूर्व की पत्रकारिता उत्तराखंड में क्या थी, स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड की पत्रकारिता क्या है, और वर्तमान जो परिदृश्य है आज की डेट में उत्तराखंड में मीडिया का क्या स्टेटस है, उसकी उसके क्या उद्देश्य हैं, और मीडिया में वर्तमान में यदि हम रोजगार को लेकर देखें, करियर को लेकर देखें, तो मीडिया में करियर की क्या संभावनाएं हैं, इन तमाम विषयों पर क्रम सह यहाँ पर मैं अपनी बात रखूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ अपने प्रिय छात्र छात्राओं से कि वह इस विषय को बड़े ध्यान से समझें, और क्योंकि मीडिया एक ऐसा विषय है जो समाज के हर पहलू को छूता है, मैं पहले भी इस चीज को कह चुका हूं, तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय को जानना, उसको समझना हर व्यक्ति के लिए और विशेषकर छात्र छात्राओं के लिए जो हमारा भविष्य है उनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मीडिया के प्रति जो लोगों की भावनाएं हैं वो थोड़ा नेगेटिव है, लोग मीडिया से डरते हैं, जबकि मीडिया डरने डराने के लिए नहीं है, मीडिया डरे हुए को बचाने के लिए है। तो ये तमाम विषयों को, तमाम पहलुओं को समझना नितांत आवश्यक है, और खासकर जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे भविष्य हैं, छात्र छात्राएं, उनको इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर यदि हम प्रकाश डालें उत्तराखंड में मीडिया की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर, तो सबसे पहले मसूरी में एक अंग्रेज ने मसूरी में द हिल करके एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, जॉन मैकिनन एक अंग्रेजी लेखक थे, और अंग्रेजी अखबार का प्रकाशन उन्होंने मसूरी में सर्वप्रथम सन 1842 में उन्होंने किया था। तो हमें कहें कि 19वीं सदी के स्टार्टिंग या मिड जो वो था सेंचुरी थी उसमें जो है उत्तराखंड में पत्रकारिता का प्रवेश हो चुका था। उसके बाद जो पहला हिंदी उर्दू समाचार पत्र उत्तराखंड में प्रकाशन हुआ वो नैनीताल से हुआ, समय विनोद एक समाचार पत्र का प्रकाशन हिंदी और उर्दू में उसका प्रकाशन हुआ था, ये हुआ था 1868 में समय विनोद करके, और जिसके जो संपादक थे वो एक वकील थे पेशे से, नैनीताल आज हाईकोर्ट है, लेकिन नैनीताल पहले से जो है वकालत के लिए पहले से जो है अपने आप एक नाम रहा नैनीताल का, वहाँ अच्छे अच्छे वकील हुए हैं। तो जयदत्त जोशी करके एक वकील थे जिन्होंने समय विनोद एक हिंदी उर्दू समाचार पत्र का प्रकाशन सन 1868 में नैनीताल से शुरू किया था। उसके बाद अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन सन 1871 में शुरू हुआ, जिसके जो संपादक थे श्री बुद्धि बल्लभ पंत थे, लेखक थे और बड़े क्रांतिकारी थे, समाज सुधारक थे। तो 1871 में इन्होंने जो है अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से शुरू किया, धीरे धीरे करके जो है समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू होता रहा। यहाँ पर एक चीज एक विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो मीडिया का उद्देश्य था, क्यों लोग समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू कर रहे थे, ये चीज भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत जरूरी है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान पृष्ठभूमि मीडिया की क्या है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। तो उस समय क्या होता था कि देश में तो स्वाधीनता आंदोलन को लेकर मीडिया का विकास हो रहा था, पत्रकारिता शुरू हो रही थी, समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हो रहा था, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मीडिया की जो शुरुआत थोड़ा हटकी थी। हालांकि 1857 के बाद यहाँ की मीडिया भी स्वाधीनता आंदोलन में कूद गई थी, लेकिन उससे पहले जो मीडिया का प्रारंभ हुआ या उसके बाद तक जो चलता रहा वो सामाजिक कुरूतियों पर, उत्तराखंड की सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए मीडिया शुरू की गई, मतलब पत्रकारिता की शुरुआत यहाँ पर सामाजिक कुरूतियों और सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए किया गया। उसके बाद धीरे धीरे 1875 में फिर मसूरी से क्रॉनिकल्स टाइम्स का प्रकाशन हुआ, ये भी एक अंग्रेजी पत्रकार ने शुरू किया, और धीरे धीरे फिर मसूरी टाइम्स 1900 में जो है फिर मसूरी टाइम्स का
प्रकाशन मसूरी शुरू हुआ। 1900 में मसूरी से मसूरी टाइम्स के प्रकाशन के बाद 1901 में गढ़वाल सभा का गढ़वाल में एक वो किया गया, स्थापना की गई, गढ़वाल सभा की स्थापना की गई। इसको जो है अपने विषमदत्त चंदोला, तारादत्त गरला आदि आदि लोगों ने जो है एक गढ़वाल सभा की स्थापना की। इस सभा का उद्देश्य भी ये था कि ये सभा देश के स्वाधीनता आंदोलन के लिए पत्रकारिता शुरू करने के साथ साथ उत्तराखंड में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी कुरूतियां हैं, उनको दूर करने के लिए अपनी पत्रकारिता का उपयोग करें। और इसी के क्रम में 1902 में गिरजादत्त नेथानी जी, जो एक बहुत ही वरिष्ठ समाज सुधारक थे और एक पत्रकार थे, सन 1902 में श्री गिरजादत्त नेथानी जी के नेतृत्व में, या हमें कहें कि उनके संपादन में गढ़वाल सभा नाम का एक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया। और 1905 में फिर गिरजादत्त नेथानी जी के नेतृत्व में गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। और गढ़वाली सभा जो के बाद में श्री विश्वम्भरदत्त चंदोला जी ने निरंतर जिसका प्रकाशन किया और वही इसके संपादक रहे, और उनके देहांत के बाद इस गढ़वाली समाचार पत्र का जो प्रकाशन था उनकी बेटी इसको निरंतर करती रही। तो इसके बाद धीरे धीरे सन 1939 में श्री भैरवदत्त धुलिया जी, जो कि स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और विधायक भी रहे गढ़वाल से, उन्होंने कर्मभूमि नाम से एक समाचार पत्र का प्रकाशन कोटद्वार से प्रारंभ किया। तो धीरे धीरे करके समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन जो है उत्तराखंड से शुरू होता रहा। और मतलब जो उद्देश्य मेन यह था कि सामाजिक कुरूतियों के लेकर, अब सामाजिक उस समय उस दौरान जो सामाजिक समस्याएं थी उत्तराखंड में, वो थी डोलापाल की, छुआछूत, जंगलों को लेकर कुली बेगार प्रथा, और तमाम जो सामाजिक कुरूतियां थी, जो समाज में जो कुरूतियां थी, जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के निराकरण के लिए पत्रकारिता यहाँ पर होती थी। और हमारे जो समाज सुधारक थे, यही कारण रहा कि जो भी यहाँ से समाज सुधारक रहे वह पत्रकारिता से जुड़ा, और उसने पत्रकारिता को समाज के उत्थान के लिए एक ढाल के रूप में प्रयोग किया। ये स्वतंत्रता से पहले जो हमारे कुछ समाचार पत्र पत्रिकाएं जो प्रकाशित हुई हैं, वो समाचार जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई हैं, वह हुई है समय, विनोद, अल्मोड़ा अखबार, समता। समता समाचार पत्र एक पहला दलित समाचार पत्र था उत्तराखंड से, जिसका प्रकाशन श्री हरिराम टमटा ने किया था। और इसके बाद इनकी पुत्री लक्ष्मी टमटा ने इसका निरंतर प्रकाशन किया। ये उत्तराखंड के पहले दलित पत्रकार थी जिन्होंने स्नातक करके समता नामक पत्रिका का या समाचार पत्र का संपादन किया। और इसके मसूरी टाइम्स, तरुण कुमाऊं, पुरुषार्थ, कर्मभूमि, छत्रवीर, सत्यवीर, गढ़देश, गढ़ हितैषी, स्वराज संदेश, उत्तर भारत, नव भारत, तमाम तरह के समाचार पत्र पत्रिकाएं जो हैं, ये जो है स्वतंत्रता से पूर्व जो है उत्तराखंड में प्रकाशित होते रहे। इसके अलावा एक जो वरिष्ठ मुकुंदीलाल जो थे, पहले वरिष्ठ थे, पहले ये जो वरिष्ठ थे उत्तराखंड के, इन्होंने तरुण कुमाऊं लेंसडोन से 1922 से 1923 तक इसका प्रकाशन किया। और गिरजादत्त नेथानी जी ने पुनः जो है 1918 में पुरुषार्थ समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तराखंड में के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें, उत्तराखंड के संदर्भ में हम यदि देखें, यहाँ की मीडिया की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर यदि हम प्रकाश डालें, तो
यहाँ जो पत्रकारिता का प्रादुर्भाव हुआ, यहाँ जो पत्रकारिता की उत्पत्ति हुई, यहाँ जो पत्रकारिता शुरू की गई, वो पहले तो हम ये कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी पत्रकारिता की शुरुआत वैसे ये क्रांतिकारी के रूप में हुई है, ये सामाजिक आंदोलन के रूप में हुई है, समाज के उत्थान के लिए हुई है। लेकिन उत्तराखंड भी इसमें पीछे नहीं रहा, और उत्तराखंड वो गढ़वाल क्षेत्र हो या कुमाऊं क्षेत्र हो, यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो सामाजिक लोग थे, जो समाज सुधारक लोग थे, उन्होंने पत्रकारिता को यहाँ की समस्याओं के निराकरण के लिए एक ढाल के रूप में पत्रकारिता का प्रयोग किया, और यही नतीजा रहा कि हमारा समाज निरंतर समाज पर उसका प्रभाव पड़ता रहा और समाज हमारा आगे बढ़ता रहा। तो यह जो अभी जो पृष्ठभूमि मैंने आपको बताई, यह स्वतंत्रता से पूर्व उत्तराखंड की पत्रकारिता की एक पृष्ठभूमि थी। अब हम यदि स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद बहुत कम समाचार पत्र पत्रिकाएं थीं जो स्वतंत्रता के बाद भी जो है निरंतर प्रकाशित होती रही, क्योंकि पत्रकारिता के लिए समाचार पत्र पत्रिकाओं के निरंतर प्रकाशन के लिए आर्थिक स्थिति ठीक होनी नितांत आवश्यक है, क्योंकि जो भी उसमें आर्थिक उसकी आवश्यकता होती है उसके प्रकाशन के लिए, निरंतर प्रकाशन के लिए, उसके प्रसारण के लिए, वो बहुत जरूरी है, और हर व्यक्ति उसका प्रकाशन निरंतर करने में असक्षम रहता है। और आज तो आधुनिक हो गए, तमाम तरह की सुविधाएं हो गई हैं, तमाम तरह की हमारे पास आधुनिक तकनीकी हमारे पास आ गई है, लेकिन उस दौरान जो हमारा जो समाज था, हमारा जो उत्तराखंड था, हमारा जो क्षेत्र था, वह तकनीकी के क्षेत्र में काफ़ी पीछे था। तो इसलिए एक बहुत बड़ी कठिनाइयों के चलते उस दौरान के पत्रकारों ने अपने समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया होगा, लेकिन बहुत कम पत्र पत्रिकाएं थी जो निरंतर प्रकाशित होती रही। और स्वतंत्रता पूर्व के जो स्वतंत्रता के बाद जो हमें कहें कि बहुत, मैं भी कह रहा था कि बहुत कम पत्र पत्रिकाएं थी जो निरंतर प्रकाशित होती रही। इसमें जो उद्देश्य था, उद्देश्य में भी थोड़ा अंतर आ गया था। अभी हम कह रहे थे कि स्वतंत्रता से पहले जो उत्तराखंड की पृष्ठभूमि थी, जो उत्तराखंड के जो पत्रकारिता का जो उद्देश्य था वो सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए था, समाज के उत्थान के लिए था। लेकिन जो स्वतंत्रता के बाद और पूर्व में स्वाधीनता आंदोलन के लिए भी था, राष्ट्रीय जो स्वाधीनता आंदोलन था उसमें भी मीडिया स्वतंत्रता से पूर्व उत्तराखंड के जो पत्रकार थे उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और स्वतंत्रता के बाद मीडिया के उद्देश्य में भी थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला, और जो उसका जो एक विशेष क्षेत्र था उनमें भी परिवर्तन होते दिखा। तो उत्तराखंड के पत्रकारिता का उद्देश्य बदलता देखा गया। बाद में बहुत कुछ पत्र पत्रिकाएं निरंतर वो बंद, उनका प्रकाशन बंद होता रहा। कुछ समाचार पत्र थे जो स्वतंत्रता पूर्व से लेकर और बाद तक प्रकाशित होते रहे, जैसे कुछ शक्ति हो गया, आपका कर्म भूमि हो गया, समता हो गया, मसूरी टाइम्स हो गया, द हेराल्ड हो गया, गढ़वाली हो गया, और स्वाधीन प्रजा हो गई, और 1947 में भगवती प्रसाद पांथरी और तेजराम भट्ट के सहयोग से विश्वेश्वर दत्त कोठियाल जी द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र युगवाणी, जो कि 15 अगस्त 1947 में जो जिसकी शुरुआत की गई थी, और अभी तक जो निरंतर जिसका प्रकाशन उत्तराखंड में हो रहा है। ये ऐसी पत्रिका है जो स्वतंत्रता दौरान, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस दौर से लेकर आज तक निरंतर जिसका प्रकाशन हो रहा है। हालांकि 2000 तक ये समाचार पत्र के रूप में प्रकाशित होता रहा, लेकिन 2000 के बाद एक मासिक पत्रिका के रूप में इसका प्रकाशन हो रहा है, और श्री विश्वेश्वर दत्त कोठियाल जी जो इसके वो थे, जनक थे कहूँगा, और जो इसके संपादक रहे जिन्होंने इसका प्रकाशन शुरू किया, उनके बेटे संजय कोठियाल इस समाचार पत्रिका का निरंतर प्रकाशन कर रहे हैं, और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई एक पत्रिका है।
तो शुरू हुआ और धीरे धीरे 60 के दशक में राधा कृष्ण कुकृति ने उत्तराखंड और नया जमाना साप्ताहिक शुरू किए। 1960 और 70 के दशक में के बीच पत्रकारिताओं का प्रकाशन जैसे मसूरी से सीमांत प्रहरी, जल लहर, उत्तरांचल, हिमालय की आवाज, टिहरी से टिहरी टाइम्स, तरुण हिंद, पर्वतवाणी, उत्तरकाशी से गढ़ रेवार और पिथौरागढ़ से पर्वत पीयूष, बागेश्वर से बागनाथ और चमोली से उत्तराखंड ऑब्जर्वर अनिकेत, अल्मोड़ा से स्वाधीन प्रजा, द्वाराहाट से द्रोणांचल प्रहरी, कोटद्वार से गढ़ गौरव, नैनीताल से उत्तराखंड उत्तरायण, खबर संसार आदि प्रमुख पत्रिकाओं का प्रकाशन जो है होता आ रहा है। जैसे खबर संसार भी एक समाचार पत्र के रूप में, एक साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में नैनीताल से भी प्रकाशित हो रहा है। आज ये स्वतंत्रता के बाद जो स्वतंत्रता स्वाधीनता जो हमारा 1947 से लेकर और उसके बाद तक जो दौर था उसके उसका जो उद्देश्य था उस वो जो पत्रकारिता का जो कार्य क्षेत्र था, जो प्रमुख उद्देश्य था वह सामाजिक सरोकारों को लेकर था और सामाजिक समस्याओं को लेकर था और सामाजिक समस्याओं के निराकरण के साथ साथ यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए था और यहाँ की शिक्षा के लिए, यहाँ के स्वास्थ्य के लिए और यहाँ के जो बड़े बड़े आंदोलन जैसे चिपको आंदोलन हुआ है, जो यहाँ के वनों के लिए, यहाँ के शिक्षा के लिए, यहाँ के स्वास्थ्य के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए और तमाम तरह के जो अन्य कुरूतियाँ थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भी यहाँ विद्यमान थी उनके निराकरण के लिए हुई। लेकिन 2000 जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ सन 2000 में और या हम कहें 80 के दशक के बाद, 80 के दशक के बाद थोड़ा जो उत्तराखंड राज्य के निर्माण को लेकर और यहाँ के जंगलों को लेकर और टिहरी डैम जैसे एशिया का जो एक बहुत बड़ा बांध है टिहरी बांध, उसको निर्माण को लेकर जो यहाँ के स्थानीय जनता का जो विरोध था या उसके निर्माण को लेकर, ये तमाम ये जो कुछ खास मुद्दे थे जिनको लेकर यहाँ मीडिया सक्रिय रही है और इसमें जो मेन था वो उत्तराखंड राज्य के निर्माण को लेकर मीडिया का रोल रहा है। 1994 में जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ, हम बिल्कुल इस चीज को नकार नहीं सकते हैं कि यहाँ की जनता के साथ मीडिया की भी बहुत बड़ी भूमिका रही, जिसके कारण उत्तराखंड राज्य अलग सा पृथक राज्य जो है बना। उस समय यह था कि आज के दौर में या आज की यदि हम समय देखें, आज की डेट में हम देखें तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय समाचार पत्र काफी राष्ट्रीय समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं जिनका प्रकाशन निरंतर हो रहा है। लेकिन उस दौरान स्थानीय पत्रिका या स्थानीय पत्रिकाएं जो कि एक क्षेत्रीय स्तर पर जो है प्रकाशित होती थी और क्षेत्रीय स्तर पर उनका प्रकाशन होने के कारण जो यहाँ की जनता की आवाज थी, जो यहाँ आंदोलनकारियों की आवाज थी, जो यहाँ के समाज सुधारक लोगों की आवाज थी, वह राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन उस दौरान कुछ समाचार पत्र थे जो राष्ट्रीय स्तर पर जिनका प्रकाशन हो रहा था, जैसे मेरठ से हम कहें कि अमर उजाला और दैनिक जागरण, तो ये दोनों ऐसे समाचार पत्र थे जिन्होंने 1994 के आंदोलन को एक धार का रूप दिया और इस दोनों समाचार पत्र पत्रिकाओं को यहाँ के आंदोलनकारियों ने एक ढाल के रूप में प्रयोग किया और यही नतीजन रहा कि इन दोनों समाचार पत्र पर हम बिल्कुल इस चीज को नकार नहीं सकते कि इन दोनों समाचार पत्रों ने और जो इन समाचार पत्रों में यहाँ के स्थानीय स्तर के जो पत्रकार थे, वो चाहे राष्ट्रीय स्तर में दिल्ली में रहे हों या स्थानीय स्तर पर मेरठ उसमें रहे हों, एडिसन में रहे हों, उन्होंने यहाँ की आवाज को केंद्र तक पहुंचाने का पूरा जो है सहयोग किया। तो उसके बाद आंदोलन के बाद इन दोनों समाचार पत्रों की भूमिका बहुत सक्रिय रही, यहाँ की जनता इन समाचार पत्रकारों से रूबरू हुई और यहाँ उनका प्रकाशन
उनका उनके प्रसार संख्या बढ़ी और प्रसार संख्या बढ़ने के बाद जो है 1997-98 में इन दोनों समाचार पत्रों ने देहरादून से अपना प्रकाशन उत्तराखंड एडिशन जो है शुरू कर दिया। और 9 नवंबर 2000 जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ उसके बाद बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र थे जिनका प्रकाशन जिन्होंने अपना प्रकाशन देहरादून से उत्तराखंड स्तर पर अपना प्रकाशन शुरू किया। और धीरे धीरे करके समाचार पत्रों के साथ साथ कई समाचार पत्रिकाएं यहां से प्रकाशित होती रहीं और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का भी यहां जो है प्रवेश हुआ। और आज तक और अपना सारा समय ईटीवी और इस तरह के धीरे धीरे के स्थानीय स्तर पर क्षेत्र स्तर पर इन टीवी चैनल न्यूज चैनलों ने अपना जो यहाँ से प्रसारण शुरू किया और धीरे धीरे करके हर आदमी मीडिया से यहाँ जुड़ने लगा, वह दृश्य श्रव्य रूप में हो या मुद्रण के रूप में हो, मतलब वो हम समाचार पत्र पत्रिकाओं के रूप में देखें या न्यूज चैनलों के रूप में देखें। और धीरे धीरे करके मीडिया का प्रभाव यहाँ का उत्तराखंड पर बढ़ता चला गया और लोग जागरूक होते होते चले गए और लोग मीडिया को समझने लगे। आज की तिथि में यदि बात करें हम तो मीडिया के कई रूप जो है हमारे सामने आज आ गए हैं। हम प्रिंट मीडिया में देखें तो समाचार पत्र पत्रिकाएं में देखें तो दो तरह के समाचार पत्र पत्रिकाएं, एक समाचार पत्र पत्रिकाएं जो राष्ट्र स्तर पर जिनका प्रकाशन हो रहा है उसमें भी हमारी उत्तराखंड के समाचार प्रकाशित हो रही हैं, दूसरे जो स्थानीय स्तर पर समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही है उनमें भी उत्तराखंड को विशेषकर उत्तराखंड को लेकर उनमें समाचार यहाँ की समस्याओं को लेकर यहाँ यहाँ की जो सूचनाएं हैं तमाम तरह की जो मनोरंजन से लेकर हो सूचनाओं से लेकर हो वो हर क्षेत्र की सूचनाएं उनमें समाचार के रूप में प्रकाशित हो रही हैं। दूसरा हम देखें तो कई न्यूज चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के अंतर्गत कई न्यूज चैनल जो है यहाँ से प्रसारित हो रहे हैं। आज कम से कम 25-30 जो कि स्थानीय न्यूज चैनल है 25-30 स्थानीय न्यूज चैनल है जो जिनका प्रसारण खासकर उत्तराखंड की गतिविधियों का यहाँ की जो सूचनाएं हैं यहाँ के जो समाचार है उनका वो प्रसारण करते हैं। और 4-5 न्यूज चैनल ऐसे हैं उत्तराखंड में जो देहरादून स्तर पर जिनका प्रसारण हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मीडिया की शुरुआत कैसे कैसे करके हुई थी और आज उत्तराखंड में मीडिया कहां पर पहुंच गया है, वो प्रिंट मीडिया के रूप में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के रूप में हो। तीसरा जो रेडियो है, रेडियो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के तहत आता है और श्रव्य माध्यम है, मीडिया का श्रव्य माध्यम है जिसे हम सुनते हैं, श्रोता के रूप में हम जिसे सुनते हैं। तो जैसे रेडियो खुशी हो गया और कई सामुदायिक रेडियो केंद्र हैं जैसे हेवलवाणी हो गया, अल्मोड़ा से कुमाऊं रेडियो हो गया आपका, और प्रत्येक संस्थान कई संस्थान ऐसे हैं जैसे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने भी हेलो हल्द्वानी करके अपना सामुदायिक रेडियो केंद्र शुरू किया है, ग्राफी गेरा ने शुरू किया है और हिमगिरी यूनिवर्सिटी ने किया है, जिसका एक दायरा होता है, एक निश्चित दायरे तक एक निश्चित क्षेत्र तक जो है प्रसारण करता है और वहाँ स्थानीय लोगों के बीच एक संवाद स्थापित करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के न्यूज चैनल हो या रेडियो हो, तमाम न्यूज चैनलों तमाम जो माध्यम है मीडिया के, इन माध्यमों ने उत्तराखंड में भी काफी अपना विकास किया है, एक हाथ से लिखे हुए पत्र से लेकर और आज हम एक सोशल मीडिया तक पहुंच गए हैं और उत्तराखंड भी इसमें कहीं पीछे नहीं है। चौथा जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में वेब मीडिया है, कई वेब पोर्टल जो है उत्तराखंड में शुरू किए गए हैं और जो कि एक बहुत ही सोशल माध्यम है सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए, एक संवाद स्थापित करने के लिए और ये सूचना प्राप्त करने के लिए। तो ये तमाम चार तरह के माध्यम आज हमारे सामने हैं।
तो कहने का और इन चारों में उत्तराखंड काफी आगे है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ पर यह है कि सबसे पहले तो हम मीडिया को समझें, और उत्तराखंड हमारा राज्य है, उत्तराखंड के हर क्षेत्र में विकास होने से ही उत्तराखंड का विकास होगा। उत्तराखंड से जुड़े हुए हर पहलुओं को हमें समझना होगा, और मीडिया जैसे महत्वपूर्ण विषय जिसका मैं हस्तक्षेप कहूंगा हर क्षेत्र में है, हर विषय पर है, जिसके माध्यम से कोई भी विषय हम किसी भी क्षेत्र तक या किसी भी समाज तक हम नहीं पहुंचा सकते। उदाहरण के लिए मैं कोई विज्ञान कोई बहुत बड़ी प्रगति कर रहा है, यू सर्क जो उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र है, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि यदि करता है, और यदि मीडिया उसको जन जो समाज के लिए इसकी स्थापना की गई है, यहाँ की जनता के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई, इस केंद्र की स्थापना की गई है, और यदि मीडिया इस केंद्र की जो उपलब्धि है या इस केंद्र का जो उद्देश्य है, इस केंद्र का जो कार्य क्षेत्र है, वो समाज तक नहीं पहुंचाएगा तो समाज इससे लाभान्वित नहीं हो सकता। जब तक समाज जानेगा नहीं, यहाँ की जनता जानेगी नहीं कि यू सर का उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना क्यों की गई, और यहाँ जो भी गतिविधियां हो रही हैं वो मीडिया के माध्यम से समाज तक नहीं पहुंचेंगे तो ये इसका उद्देश्य पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य कि मीडिया एक संवाद स्थापित करने का एक बहुत बढ़िया माध्यम है, और इसका इसका उपयोग हमारे पूर्वजों से लेकर हमारे जो इतिहास के जो हमारे समाज सुधारक थे, जो हमारे क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, उन्होंने उनसे लेकर और आज हम इसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये तो रहा एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और ये अब हम थोड़ा सा संक्षिप्त में लास्ट में कहूँ कि उत्तराखंड इसमें कैरियर की क्या संभावनाएं हैं, खास जो विषय है कि कैरियर की क्या संभावनाएं हैं। अब कैरियर की संभावना, क्योंकि रोजगार एक बहुत बड़ा विषय है, और खासकर उत्तराखंड में बेरोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है, और समस्या ही विषय बनती है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मीडिया को कैसे हम रोजगार के रूप में लें, इसको हमें समझना होगा। पहले हमें मीडिया को समझना होगा। मीडिया के जो माध्यम है, चार माध्यम है, इन चार माध्यमों को समझना होगा, और इन चार माध्यमों में से हम कौन सा माध्यम किस जगह, यहाँ की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो परिदृश्य है उसको मद्देनजर रखते हुए किस माध्यम का हम भरपूर उपयोग कर सकते हैं, और किस माध्यम को हम रोजगार के रूप में ले सकते हैं। खासकर मैं जो हमारी छात्र छात्राएं हैं उनसे मैं विशेषकर यह अनुरोध करता हूं कि मीडिया को एक आप एक तो नकारात्मक रूप से मत लीजिए, इसको सकारात्मक रूप के तौर पर देखिए। ये किसी को डराने के लिए नहीं है, डरने के लिए नहीं है, ये डरे हुए को बचाने के लिए, मैं पहले भी इस चीज को कह चुका हूं, और इसको हम रोजगार के रूप में ले सकते हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति करता है कि प्रत्येक आदमी को अभिव्यक्ति का अधिकार है, तो अभिव्यक्ति का अधिकार का मतलब है कि अपनी बात को रखने का अधिकार है, और हम ऐसी बात जब हमको अपनी बात रखने का अधिकार है तो हम मीडिया को नेगेटिव रूप में क्यों देखें, वो तो हमसे जुड़ा हुआ है, हम उसको सकारात्मक रूप से देखें। तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो रोजगार रोजगार को लेकर जो मीडिया है, इसको हम यहाँ पर्यटन, तीर्थाटन, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं उत्तराखंड के जिन क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम हो सकता है, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इन दो क्षेत्रों में उत्तराखंड को का नाम रोशन कर सकते हैं। तो हम पर्यटन पत्रिका का प्रकाशन कर सकते हैं। सपोज दैट मैं कोई छात्र जो है मीडिया में अपना भविष्य बनाना चाहता है, उसकी रुचि है कि वो मीडिया में अपनी रुचि रखता हो, और उसका इंटरेस्ट पर्यटन में भी है, और पर्यटन विषय से उसने किया है, तो वह क्या कर सकता है कि अपनी एक पत्रिका का प्रकाशन पर्यटन के क्षेत्र में, उत्तराखंड के तमाम जो पर्यटन स्थल हैं, जैसे मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, औली हो गया, इसके अलावा जो भी लेंस डाउन हो गया, तमाम जो पर्यटक स्थल हैं उत्तराखंड के, उन पर्यटक स्थलों को लेकर, उनके प्रचार प्रसार को लेकर, उनके उत्थान को लेकर, समाज यहाँ की जनता को उनसे होने वाले लाभों को लेकर, सरकार द्वारा वहां किए जा रहे कार्यों को लेकर, और वहां के विकास के
कि जो का जो वो है पैमाना है उसको लेकर उस पर्यटक स्थल के तमाम पहलुओं पर वो क्या कर सकता है, अपने पत्रिका, अपनी पत्रिका का प्रकाशन वह कर कर सकता है, जिससे उसे क्या होगा कि एक समाज में उसको नाम भी होगा उसका, उसको आर्थिक सहयोग भी मिलेगा, उसके वो एक पोर्टल भी बना सकता है, उसके पोर्टल बना सकता है, पोर्टल, वो पोर्टल का मतलब वेब, वेब का मतलब वर्ल्ड वाइड है ना, तो एक विश्व स्तर पर वो अपने पत्रिका का नाम रोशन कर सकता है, उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों का का प्रचार प्रसार कर सकता है, और उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों के प्रचार प्रसार के साथ अपना भी वो नाम का वो प्रचार प्रसार कर सकता है, जिससे उसको नाम के साथ साथ उसको आर्थिक सहयोग भी मिल सकता है। एक एग्जाम्पल है। दूसरा, तीर्थाटन को भी इससे जोड़िए, या कि धार्मिक स्थलों को उससे जोड़िए, धार्मिक स्थलों का प्रचार प्रसार करिए, है ना, तो धार्मिक स्थलों को भी उससे दोनों को जोड़ा जा सकता है, धार्मिक पत्रिका अपनी अलग से वो प्रारंभ कर सकता है। इसके साथ साथ विज्ञान पत्रिका, विज्ञान की बात करें, विज्ञान भी अपने आप में एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसके तहत तमाम विषय आते हैं, तमाम पहलू आते हैं, तमाम आयाम आते हैं, वो चिकित्सा विज्ञान हो, वह भौतिक विज्ञान हो, वह कंप्यूटर विज्ञान हो, वह रसायन विज्ञान हो, वह भूगर्भ विज्ञान हो, तमाम उसको लेकर। अब उत्तराखंड हमें कहें तो आपदा के क्षेत्र में बड़ा संवेदनशील है, आपदा को लेकर उत्तराखंड क्षेत्र बड़ा संवेदनशील है, तो इसको लेकर भी हम कोई खास कोई वेब पोर्टल, यदि हम न्यूज मीडिया का उपयोग करें तो वेब पोर्टल शुरू करें, या कोई पत्रिका हम शुरू कर सकते हैं, इसी क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं, इसे हम शोध परक पत्रिका भी कह सकते हैं। पत्रकारिता का मतलब यह है कि सूचना और कुछ नया लोगों को देना, लोगों को, जनता को, समाज को सूचना के साथ साथ कुछ नया देना, तो नया मतलब नवाचार को शोध परक तथ्य भी हम लोगों के सामने ला सकते हैं, तो इसमें भी हम अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके अलावा तमाम तरह के, यदि हम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जाने के लिए उत्तराखंड में कई यूनिवर्सिटी, कई डिग्री कॉलेज हैं जहां पर पत्रकारिता मीडिया की पढ़ाई हो रही है, आप उसमें अपना डिग्री लेकर और उसमें प्रोफेशनल प्रोफेशनल उसमें जो है वो लेकर, ज्ञान लेकर उसको आप जो है अपना करियर बना सकते हैं। मैं उत्तराखंड में भी 4-5 न्यूज चैनल हैं जो उत्तराखंड में जिनका प्रसारण स्थानीय स्तर पर जिनका प्रसारण हो रहा है, तो कम से कम एक न्यूज चैनल में 40-50 लोगों की आवश्यकता होती है, एक यहाँ पे उस लेवल पे कहें, एक स्टूडियो लेवल पे कहें, एक सेंट्रल लेवल पे कहें, एक हेड लेवल पे कहें, फिर इसके अलावा 13 जनपद हैं, 13 जनपदों पर जो है एक एक स्टिंग, तो कहने का तात्पर्य है कि आप इसको सकारात्मक ढंग से लें, इसको समाज सेवा के साथ साथ इसको आर्थिक और एक रोजगार के रूप में भी आप मीडिया को अपना सकते हैं, इसमें अपना भविष्य बना सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम यदि प्रिंट मीडिया में जाना चाहें तो प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र पत्रिकाओं में हम जो है अपना करियर चुनें, यदि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जा रहे हैं तो न्यूज चैनल और रेडियो में भी हम अपना वो करें, और तीसरा यदि हम उसमें अपना, चौथा सोशल मीडिया में भी अपना वो कर सकते हैं, वेब पोर्टल बना सकते हैं, अपने ई मैगजीन शुरू कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अपना एक जगह बैठ कर ही आप सारा जो है जिसका प्रसार प्रसारण इसका वर्ल्ड वाइड लेवल पर कर सकते हैं। तो तमाम तरह की संभावनाएं हैं उत्तराखंड में मीडिया के क्षेत्र में, बस जरूरत है इस विषय को समझने की और थोड़ा सा संघर्ष और मेहनत करने की। तो और आजकल सामुदायिक रेडियो केंद्र एक ऐसा माध्यम है मीडिया का जो स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय लोगों के लिए एक बहुत ही सुलभ और बहुत ही सरल माध्यम है, जिसे जैसे हिमलवाणी है जिसका एक दायरा, जिसका प्रसारण का एक लिमिट होती है, एक एरिया होता है जो कि 10 किलोमीटर की रेंज तक, या उसका एक फिक्स टाइम होता, डिस्टेंस होती है, उस लेवल तक वो उसका प्रसार कर सकते हैं।
उसमें स्थानीय परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए, जो स्थानीय परंपराएं हैं, स्थानीय जो संस्कृति है, स्थानीय भाषा है, स्थानीय बोली है, स्थानीय लोक संस्कृति है, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके प्रसार प्रसार के लिए और उन्हीं की भाषा में सूचना प्रदान करना, उन्हीं की भाषा जो स्थानीय स्तर पर लोग हैं उन्हीं की भाषा में सूचना प्रदान करना, उन्हीं की भाषा में मनोरंजन करना, उन्हीं की भाषा में जो है उनकी लोक परंपराओं को मजबूत करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। तो उसमें भी हम अपना करियर चुन सकते हैं। बस जैसे प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर हम क्या करें कि जैसे उत्तराखंड 13 जनपद है, 13 जनपदों में कम से कम 70-80 ब्लॉक है। प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर हम एक सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना करें, हम अपने स्तर से सरकार से पहल करें और वहां पर एक सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना करें। उससे क्या होगा कि जहां रोजगार तो मिलेगा, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए सामुदायिक रेडियो केंद्र यहाँ एक बहुत ही सुलभ और सरल माध्यम है मीडिया का, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा जो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं मीडिया में, और स्थानीय स्तर पर क्या होगा एक संवाद स्थापित होगा, वहां की लोक परंपराएं, लोक सूचनाएं, लोक आभूषण, जितने भी जो लोग वो हैं वो सारा उनका क्या प्रचार प्रसार होगा, उनका बढ़ावा होगा और एक संवाद स्थापित होगा स्थानीय भाषा में। तो कहने का तात्पर्य है कि ये तमाम क्षेत्र हैं जहां हम अपने करियर की संभावनाएं बना सकते हैं। और कहने का तात्पर्य है कि आज हमने जो ये विषय यहाँ पर अपने छात्रों के लिए चुना, मेरा इस विषय को चुनने का उद्देश्य ये था कि हमारे उत्तराखंड के जो भी छात्र हैं, नौजवान हों, उनको मीडिया और उत्तराखंड की मीडिया की पृष्ठभूमि की जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि क्यों उत्तराखंड में मीडिया की शुरुआत हुई थी, हमारे जो क्रांतिकारी थे, समाज सुधारक थे, उन्होंने क्यों पत्रकारिता शुरू की और धीरे धीरे करके आज पत्रकारिता किस स्टेज में है, उसकी विकास यात्रा जो है वो कैसे निरंतर चलती रही और आज किस स्टेज में है। और आज जो है, आज लगा लो आपकी कम से कम 14 से 15 हजार के लगभग समाचार पत्र पत्रिकाएं उत्तराखंड में प्रकाशित हो रही हैं, 14 हजार के आसपास पूरे उत्तराखंड में जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं वो हो रही हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि एक बहुत बड़ा स्कोप है, एक बहुत बड़ा विकास यात्रा रही है मीडिया की उत्तराखंड में, और इसमें हम अपना रोजगार चुन सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर मेरे इस व्याख्यान से कोई ना कोई लाभ होगा और कोई ना कोई ज्ञान आप प्राप्त करेंगे।